हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही है एक ऐसी फिल्म की टीम जो 2000 जो हमारा नया साल है 2021 की पहली रिलीज है, अमेज़न प्राइम पर आ रही है मारा। और उसकी पूरी टीम मेरे साथ है। माधवन जो इस फिल्म में लीड है, उनको हम सब पहचानते हैं पूरे देश भर में। और उसके उनके साथ साथ आज हमारे साथ श्रद्धा है जो माधवन के साथ इस फिल्म में है, और इसके साथ इस फिल्म को बनाने वाली टीम श्रुति और दिलीप भी हैं। तो ये अमेज़न प्राइम पे फिल्म रिलीज हो रही है। माधवन, सबसे पहले तो बधाई हो, क्योंकि आपको मैं पूरे 20 साल पूरे कर लिए। आई थिंक इट्स योर 21st ईयर। आई रिमेम्बर अले पाउथे रिलीज हुई थी, तो 20 इयर्स एंड 21 बिगिंस विद लॉट ऑफ थिंग्स विद मारा। नाउ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अब ये उम्मीद करता हूं कि 2021 हमारे लिए जो है सिक्सर बन जाए सबके लिए, हर तरीके का सिक्सर, पैसों से, प्यार से, मोहब्बत से और हेल्थ की वजह से खास करके। तो हाँ यार, 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर और मेरे ख्याल से 25 साल हो गए एज अ टेलीविजन काउंसिल मेंटर। तो लोग कहते हैं कि यू नो 25 साल, मतलब मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि 25 साल, एक क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी हो गया यार ये तो इंडस्ट्री में। और अभी भी मुझे ना वो नर्वसनेस होता है जैसे एक न्यू कमर को होता है जब मैं कोई फिल्म करने जाता हूँ। आई थिंक मैं सबको ही बोलता हूँ, माधवन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने चेन्नई और जमशेदपुर का यू नो एक साथ इन्होंने दूरी एकदम से कम कर दी। बिकॉज आई थिंक आई रिमेम्बर मैंने अले पाउथे इनकी फिल्म पहली बार यू नो तब देखी थी। तो मतलब बाकी इंडियंस को तमिल सिनेमा की ब्यूटी, खूबसूरती का एहसास, आई थिंक माधवन वाज द वन हु ब्रिज द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया क्वाइट इफेक्टिवली। माधवन, क्योंकि ये खुद आपने नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम किया जो हमारे देश के नेता नहीं कर पाए। थैंक यू भाई साहब, सो स्वीट ऑफ यू अमित, थैंक्स। तो ये बताएं क्या बोलूं यार, आई मीन ये मतलब काश मैं ये कह सकता हूं कि मैंने मतलब सोच समझ के और सूझबूझ के साथ ये किया। मैं तो बस एक कलाकार बनकर वही फिल्में करता रहा जो मेरे दिल को भाई, और फिर वो पता चला कि हिंदी वालों को भी समझने लगा और तमिल वालों को भी अच्छी लगी। तो अगर इस तरीके से एक दूसरे के बारे में पता चल जाए तो ये तो ऊपर वाले की देन है कि अच्छा ये बन जाएगा ऐसा। तुम्हारा के बारे में बताएं, क्या क्या कुछ कौन से चौके छक्के मारने वाले हैं मारा में? तो श्रद्धा और मैं अच्छी हिंदी बोल लेते हैं तो हम हमारे बीच की कहानी आपको बताएंगे। श्रद्धा जी आप बताइए। श्रद्धा की मैं सुनने चाहता हूँ हिंदी। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं नॉर्थ में पली बड़ी थी तो बोलते ही चौके छक्के मार दिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मारा के बारे में आप जानना चाहते हैं? क्या कहूँ, ये कहानी एक जैसे दिस इज अ जर्नी, एक सर्च है एक लड़की की। कई चीजें उसको, ये ऐसी लड़की है जो बहुत ही क्यूरियस किस्म की लड़की है। इसको छोटी छोटी चीजों में देयर इज अ सेंस ऑफ वंडर, वेरी स्मॉल थिंग्स अमेज हर। जैसे एक छोटे बच्चे में, जब एक छोटा बच्चा एक ऐसी चीज को देखता है जो उसने पहली बार देख रहा हो, उसकी आंखों में जो वो अमेजमेंट होती है वही पारू की आंखों में है। हर हर एक काफी चीजों को लेकर, शी इज अ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, तो ये ओल्ड बिल्डिंग्स को रिस्टोर करती है। और तो इसको पुराना आर्किटेक्चर हो उसे बहुत पसंद है। उस आर्किटेक्चर, उस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी कहानियां हुई होंगी, कौन रहता होगा वहां पे, क्या चला होगा। तो इसको, शी लव्स हिस्ट्री, शी लव्स एवरीथिंग ओल्ड, शी इज फैसिनेटेड विद स्टोरीज। तो ऐसी लड़की है ये। एंड ये ऐसे सिचुएशन में वो होती है जिसमें इसको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, एंड देन शी नोज दैट दिस इज रिलेटेड टू मारा, दिस एंटिटी कॉल्ड मारा, शी डजंट नो अबाउट, इसको नहीं मालूम कौन है ये, मगर ये जानना चाहती है इसके बारे में, ये और जानना चाहती है। तो ये इसको, शी सेट्स आउट ऑन अ काइंड ऑफ लाइक अ सर्च फॉर हिम, एंड यस, एंड हाउ द मूवी ट्रेवल्स अलॉन्ग विद हर, एंड देन यू नो इट ऑल्सो, आई मीन, एंड हाउ व्हाट शी डिस्कवर्स अबाउट मारा इन दिस सर्च। एंड उस एक कभी नहीं मिली उससे, मगर इसका बहुत मालूम है उसके बारे में, हाउ थ्रू अदर पीपल, दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, एंड कैसे मारा ने सबके लाइफ में आके कुछ कुछ ऐसा मतलब बदला है इनके लाइफ में। तो एंड शी इज थरली फैसिनेटेड बाय दिस गाय, एंड हाउ शी कंटिन्यूज टू सर्च फॉर हिम, बिकॉज शी ऑल्सो हैज अनदर अल्टीरियर मोटिव जो कि ये यू नो पूरा करना चाहती है। तो एक नटशेल में यही है। चूंकि इससे पहले मलयालम में हम चाली देख चुके हैं, चाली आजकल वो टाइम नहीं रहा, लोग पहले इंटरनेट पे यू नो एनी भाषा इज नॉट अ नो लॉन्गर एक बैरियर नहीं रहा है।
चार्ली देखा और मराठी में भी ये फिल्म बनी है तो कहीं ना कहीं यू नो पीपल विल ड्रॉ कंपैरिजंस बट इट्स बीन अडैप्टेड एंड आई थिंक इट्स अडैप्टेड वेरी ब्यूटीफुली आई मस्ट से द फ्रेम्स आर लुकिंग सो ब्रेथटेकिंग ब्यूटीफुल जो प्रोमो मैंने देखा है तो माधवन थोड़ा सा एक होता है कि नहीं मतलब कंपैरिजंस के अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो चार्ली और मारा में कितना कुछ यू नो वन लेवल अप हुआ है बहुत अच्छी बात देखिए ये कंपैरिजंस तो होंगे और ये इंडस्ट्री वाले करते खास करके और जो बहुत ही मतलब एवरेज फैंस होते हैं उनको आप भले ही जितना भी अच्छा रीमेक बना ले मेरे फैंस को कोई और अगर मेरे फिल्म का रीमेक करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और ठीक तरह जो चार्ली के फैंस हैं उनको हमारी फिल्म मतलब बिल्कुल बिलो पार लगेगी पर ये मतलब गिनती में ये बहुत कम लोग हैं दुनिया 300 कंट्री में लोग पिक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है कि चार्ली कमाल की फिल्म थी यार हमें पर चक्कर क्या है ना कि मेरे किरदार में और श्रद्धा की जो किरदार है इसको हमने बहुत बदला है तो अगर आपको हम संक्षेप में बता दें तो ये बता दूंगा कि जो शुरुआत है फिल्म की और जो क्लाइमैक्स है वो दोनों बिल्कुल ही अलग है और जो चीजें आपने ट्रेलर में भी देखी होंगी कि एक औरत है जिसको एक पेंटिंग के पीछे जो है ये भाग रही है एक पेंटिंग ही नहीं बल्कि एक कहानी जो बचपन में इन्होंने सुनाया इसको मतलब इसके बारे में जानना चाहती है तो यही एक अलग ही मतलब थ्रेड है जो हमारी फिल्म में जो चार्ली में नहीं है और जहां तक फिल्म की मतलब आप संक्षेप में अगर आप पूछ रहे हैं तो यार आजकल हम मैं पहले भी ये कह चुका हूँ आपसे भी मैं कह रहा हूँ हिंदी में अमित कि जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो कभी कभी कोई लोग दिलचस्प लगते हैं ना मतलब लगता है कि ये लोग इंटरेस्टिंग लोग हैं और हम नंबर चेंज एक्सचेंज कर लेते हैं और कभी कभी अगर वो अट्रैक्टिव है तो उम्मीद करते हैं कि हम मैसेज करेंगे तो उनसे मैसेज आएगी और फिर छोटी छोटी बातें शुरू होती हैं कि भाई आपने खाया अच्छा लगा आपने ये पिक्चर देखी अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा करके जो है आप की जो बातचीत है व्हाट्सएप पे ना काफी गंभीर रूप से आगे बढ़ती है एक प्रोफाइलिंग बनने लगता है आपको लगता है कि ये इंसान ऐसे ही हैं उनको लगता है कि आप ऐसे ही हैं फिर आपको दिलचस्पी बढ़ती है तो आप फेसबुक पे जाते हो या इंस्टाग्राम में जाते हो और उनके बारे में पूरा मतलब पूरा जिज्ञासा जो है आपके बारे में उसको पूरा करते हो और प्रोफाइलिंग करते हो और फिर होता ये है कि आपके दिमाग में इस इंसान के बारे में इस व्यक्ति के बारे में एक रूप बन जाता है एक यू नो पर्सनालिटी आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हो जब दूसरी बार आप इनसे मिलते हो हकीकत में मैं कह रहा हूँ पहली बार आपने आप मिले और फिर आपने फोन नंबर एक्सचेंज किया अब जब दूसरी बार आप वाकई में मिलते हो ऐसे इंसान से तो ना आपको समझ में नहीं आता कि हम रिलेशनशिप रिश्ता वहीं से शुरू करें जहाँ की हम दूसरी बार एक्चुअली पर्सनली मिल रहे हैं कि उससे शुरू करें कि हमारी जो जानकारी बढ़ चुकी है व्हाट्सएप में हमारी बीच में रोमांस ही बढ़ चुका है तो क्या हम रोमांस मतलब क्या हम जाके हाथ ही पकड़ने क्या किसी के हाथ में या तो ये भी हो सकता है क्योंकि आप उतना मतलब उतना बातचीत कर चुके हैं व्हाट्सएप में और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें तालमेल नहीं हो पाता तो डिजिटल दुनिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि किसी भी इंसान के बारे में किसी भी परिस्थिति के बारे में किसी भी न्यूज के बारे में इतने रिव्यूज और पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं कि आम इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अब पूरा उसके लिए दुनिया ना ग्रे हो चुका है अब किसी की बात पे ना वो भरोसा करने लायक नहीं रहा अब अगर इस दुनिया से हटकर हम मारा की दुनिया में जाए तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी फिल्म बनाए कि जिसमें कोई ग्रे नहीं है सभी ब्लैक एंड व्हाइट है भाई इस फिल्म में ना सभी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों की जिंदगी है सीधी जिंदगी जीते हैं अगर ऐसे लोग रहते तो इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी क्या और अगर आती है तो कैसे आती है और उसको कैसे सॉल्व करते तो मारा जो है वो फोन लेके नहीं घूमता वो एक किसी चीज की तलाश में है जो उसकी जिंदगी में वो अधूरा समझता है कहता है अगर ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी का मतलब मिल जाएगा यार मेरे को मतलब मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा मैं एक रिलेशनशिप कर पाऊंगा लेकिन एक चीज की तलाश है जो बड़ी आसानी से पारो का किरदार जो है इसके लिए पूरा कर देती है ठीक उसी तरह पारो की एक तलाश है जो मारा पूरा कर देता है पर ये एक दूसरे से नहीं मिलते ये एक दूसरे के बारे में ना जानकारी व्हाट्सएप से या फेसबुक से नहीं मिलता है इनको इनके जो किए हुए कर्म है ना वो कर्म इनके सामने आ जाते हैं वो लोग कहते हैं कि यार ये मारा ने ये किया दुष्ट है अच्छा है मतलब क्या कहते हैं बावला है रोमांटिक है ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है पारो को और इस किरदार के बारे में मारा को इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये इसने ये कर दिया वो कर दिया तो जब पहली बार ये मिलते हैं तो इनके बीच में क्या वो दूरियां रहेंगी या इस बात को जानते हुए कि पूरे मतलब मतलब कायनात तय हो चुका है कि ये दोनों एक साथ होने वाले हैं तो क्या ये जब एक दूसरे से मिलेंगे इनको एहसास होगा कि एक दूसरे के लिए बने हैं ये चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हमने फिल्म बनाया हमारा इंटरेस्टिंग आई थिंक माधवन ऐसा लग रहा है मैं आपकी हिंदी वर्जन की स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ
So let me ask the painter of the film, Dilip. I think the film looks like a painting itself. Matlab, you know, the beautiful location, especially Kerala ki location, not mistaken, Kerala and Pondicherry where you have shot. It's captured so beautifully. Shraddha is looking like, you know, the poet, the dream, Madhavan Century. So how did you design that entire film as a director? It's a script that kind of demanded us to create a world of our own. So a world that kind of, you know, like it's believably real. It's plausible, but you don't just see it around you. Yeah, you know, but it feels plausible without affecting your intelligence and intellect. So it means that we have to create that world. And that means like we are not recreating or like showing the beauty of a place that exists, but also trying to create your world within the geographical places that exist. So that kind of, I think, gave us a direction of where to go, what to do. Yeah. So where all you have shot, you know, I mean, I'm very intrigued by the Shot it in Kerala. So the film is split between two places. Like one is a coastal city and the other one is a hill station. So, and also the film interestingly explores these two kinds of people, like whom you call as mountain people and beach people. The energy is different and they all bring out different characteristics and they're actually polarities. So what happens when you bring these polarities together in one film to tell one story and one person affecting the other. So you're somewhere without getting too messagey. You're trying to gel and show like how the lives of different people whom like as we are split. Yeah. Like it's actually interdependent and interconnected with one another. And this is a kind of story that brings that out. No. Yeah. I'm very happy world building could be a part of the story, and we have done that, and thanks to Shruti and Pramod Films like for letting us do that, like we have done quite a lot of like we shot in Nilgiris, we shot in a place like where around like 15 kilometer radius around the spot where we shot, like there is no human settlement. Like as in there are no villages. So every day we drive down there, and everybody from Maddie to an extra and to a crew member, we all hang around at in the same place, and there are favorite spots like where everybody hangs around, and whenever we have to set a shot there, everybody cries. Like, why can't you set the shot in other place? And not, why can't you leave the fireplace to us? So, yeah. I mean, like, if we could experience it while shooting, and I'm sure, like, that's what has transpired. Like, it's just, yep. Quite a visual trip. But Shruti, I have to ask you, thing you were bringing the first release of 2021 on Amazon. It's a difficult time. We have passed the whole 2020. It was, like, I think the most darkest year for Indian cinema. You know, yeah. The total dynamics of industry changed, you know, theaters, nothing. So you have this responsibility, first film which is coming out in 2021. So like you're like excited, nervous, what's the feeling like? I am very excited because that's what Maddie, Dilip, Shraddha, all of us were discussing. Yes, it is an additional responsibility that is going to be the first Tamil film coming in 2021. But we are very happy because the genre of the film, in times like Maddie keeps saying this, that you know, the times are so morbid and we've had a very serious year, and people have had so much downfall, and it's been a dull year, if I may say so. And this film brings so much positivity. It's about hope. It's a complete utopian world where there are only positive characters. Everything good is happening. So we are quite confident that people, this is something that everyone will sit, have a smile on their face, and it'll be a good start of the year. This kind of a film, we are hoping that everyone likes, has a smile on their face when they're watching it, because it's such a positive film. It's about bonding, it's about relationships. And so I'm very happy with the placement of this being the first film of 2021.
I couldn't have asked for something better. Let's hope that your film Mara brings really the happiness on everybody's face with the first release, first Tamil film of 2021. Thank you so much to all four of you. All the best, Maggie, Shraddha, Shruti, as well as Dilip for the Mara. I hope like you guys really, you know, so much. I'm so excited to watch it. So I'm waiting for the premiere to happen in January first week. So all the best to you. Thank you, Amit. Ajay, thank you so much for all your positivity, man. आपके मतलब आपके आवाज से पता चलता है कि आप कितना हमारे लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. थैंक यू सो मच डार्लिंग. वेरी स्वीट ऑफ यू. बाय. ओके बाय.